2023 शुभमन गिल के लिए एक एक्सेप्शनल ईयर था। आईपीएल में 3 सेंचुरीज के साथ 890 रन, सीजन के लीडिंग रन गेटर। ओडीआईज में 4 सेंचुरी और एक डबल सेंचुरी के बाद वो बने दुनिया के नंबर 1 रैंक ओडीआई बैट्समैन। यहीं पर शुभमन को द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट का टैग मिला। सब कह रहे थे कि इंडियन क्रिकेट को अपना अगला सुपरस्टार मिल गया है। मीडिया और फैंस की हाइप इतनी बढ़ गई कि लोग कहने लगे कि शुभमन गिल ही विराट कोहली के सक्सेसर बनेंगे, यही विराट कोहली के शूज को फिल करेंगे। लेकिन फिर 2024 में ऐसा क्या हुआ कि लोग शुभमन गिल के टीम में होने पर भी सवाल उठाने लगे। उनका स्ट्राइक रेट, उनको दी गई कैप्टेंसी, वाइस कैप्टेंसी और उनकी बैटिंग पोजीशन, हर चीज पर सवाल उठने लगे। उनका यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ से कंपैरिजन, और अब यूं मानो कि फैंस और मीडिया शुभमन गिल के पोटेंशियल पर डाउट करने लगे थे। अब उनका भरोसा शुभमन गिल पे से उठने लगा था। और यहीं पर ये सवाल आता है कि श्योर शुभमन गिल इज द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट, बट विल ही एवर बिकम द किंग? 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम विक्टोरियस रही और इस विक्टोरियस कैंपेन में शुभमन गिल इंडिया के लीडिंग रन गेटर थे। और इसी वजह से आईपीएल ऑक्शंस में केकेआर ने शुभमन गिल को 1.8 करोड़ के प्राइस पर अपनी टीम के लिए खरीद लिया। अपनी 7th आईपीएल गेम में शुभमन के बैट से पहली हाफ सेंचुरी आई जब उन्होंने सीएसके के अगेंस्ट नॉट आउट 57 रन बनाए। ये सीजन एक 18 साल के डेब्यूटेंट के हिसाब से डिसेंट था, जहां उन्होंने 13 मैचेस के बाद 203 रन बनाए। उनके डोमेस्टिक, अंडर 19 और अब आईपीएल परफॉर्मेंस के बाद इंडियन सेलेक्टर्स की नजर शुभमन पर पड़ने लगी थी और सेलेक्टर्स अब उनके इंटरनेशनल डेब्यू को कंसिडर करने लगे थे। बट टीम में हाई कंपटीशन की वजह से और साथ ही शुभमन के ही बैचमेट पृथ्वी शॉ के ऑलरेडी हो चुके डेब्यू की वजह से शुभमन के नेशनल टीम कॉलअप के चांसेस कम लग रहे थे। लेकिन फिर 2019 के जनवरी महीने में कुछ ऐसे चेन ऑफ इवेंट्स हुए जिससे इंडियन टीम में एक बैट्समैन की पोजीशन खुल गई। आपको शायद एग्जैक्टली याद ना हो, लेकिन जनवरी 2019 में हार्दिक पांड्या और केएल राहुल का कॉफी विद करण का शो एयर हुआ था, जिसमें हार्दिक पांड्या के क्वेश्चनेबल कमेंट्स की वजह से हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को इंडियन टीम ने सस्पेंड कर दिया। यहीं पर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की जगह टीम में आए विजय शंकर और शुभमन गिल। तुक्के में मिली इस अपॉर्चुनिटी को शुभमन गिल पूरी तरह से वसूल नहीं पाए और अपने डेब्यू मैच में सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। गिल वापस आईपीएल लौटे और वहां अपनी आईपीएल के परफॉर्मेंस के ग्राफ को ऊपर उठाने की कोशिश करने लगे। 2019 का आईपीएल सीजन भी शुभमन गिल के लिए काफी मीडियोकर था, जहां उन्होंने 14 मैचेस में 296 रन बनाए, नथिंग स्पेशल। लेकिन हाँ, इस सीजन के एंड होते होते शुभमन गिल के लिए एक अच्छी चीज ये हुई थी कि केकेआर ने उन्हें टॉप ऑर्डर में बैटिंग करानी शुरू कर दी थी, जहां सीजन के आखिरी 4 मैचेस में वो ओपनिंग करने उतरे थे और इन्हीं 4 मैचेस में से 2 मैचेस में उन्होंने 76 और नॉट आउट 65 रन बनाए। और ये इस बात को साबित करने के लिए काफी था कि शुभमन पर ओपनिंग पोजिशन के लिए केकेआर की मैनेजमेंट भरोसा कर सकती है। फिर जब 2020 के सीजन में केकेआर ने ओपनिंग पोजिशन के लिए शुभमन गिल को बैक करना शुरू किया तो रिजल्ट्स काफी क्लियरली सिग्निफिकेंटली बदल चुके थे। गिल ने दूसरे ही मैच में नॉट आउट 70 बना दिए। एंड ऑल्दो केकेआर के लिए सीजन इतने अच्छे नहीं जा रहे थे, लेकिन इन मुश्किल सिचुएशंस में गिल को अपना गेम इंप्रूव करने की अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छे से मिल रही थी। गिल ने इस सीजन में काफी रुककर और ठहराव के साथ बैटिंग करी और 440 रन के साथ केकेआर के लीडिंग रन गेटर बने। एक आईपीएल टीम का लीडिंग रन गेटर बनना इंडियन सेलेक्टर्स की नजरों में आने के लिए काफी रहता है, और इसीलिए एक बार फिर इंडियन सेलेक्टर्स ने शुभमन गिल को इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कंसिडर करना शुरू कर दिया। और इस बार अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी। गिल को 2021 के ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए सेलेक्ट किया गया और वो बॉक्सिंग डे टेस्ट से अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले थे। इस मैच के बारे में बात करते हुए शुभमन ने बाद में बताया था कि जब मैं बैटिंग करने के लिए ग्राउंड में जा रहा था तो एमसीजी का चीयरिंग क्राउड और मेरे बढ़ते एड्रेनलिन से लग रहा था कि मैं किसी वॉर में लड़ने जा रहा हूँ। इस मैच की 2 इनिंग्स में उन्होंने 45 और नॉट आउट 35 बनाए, जो कि एक डेब्यूटेंट के लिए एमसीजी में काफी डिसेंट फिगर्स हैं। इंडियन टीम ने ये हिस्टोरिक मैच जीता। इसके बाद अगला मैच सिडनी में टाई हुआ और इस 3 मैच की सीरीज को जीतने के लिए इंडियन टीम को तीसरा मैच किसी भी हाल में जीतना था और ये मैच खेला जा रहा था गैबा के ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड में। एंड ऑनेस्टली इंडियन टीम के लिए चैलेंज काफी इम्पॉसिबल लग रहा था भाई। गैबा में 1988 से ऑस्ट्रेलियन टीम एक भी टेस्ट मैच नहीं हारी थी और ऐसे में इंडिया की इस स्क्वाड से ऑस्ट्रेलियन टीम हार जाए इसका तो सवाल ही नहीं बनता था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्क्वाड में पहले तो एक्सपीरियंस्ड विराट कोहली नहीं थे, फिर इस टीम में शुभमन, ऋषभ पंत, नवदीप सैनी, नटराजन और वॉशिंगटन सुंदर जैसे यंगस्टर्स खेल रहे थे, तो इस टीम का ऑस्ट्रेलिया की एक्सपीरियंस साइड को हराना काफी मुश्किल लग रहा था। बट वेल ओ वेल, इस मैच में जो हुआ उसने इन सभी यंग क्रिकेटर्स को सुपरस्टार्स बना दिया। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि टेस्ट के 5th डे में इंडिया को अपनी दूसरी इनिंग में जीतने के लिए 329 रन बनाने थे और इसे में ओपनिंग करने उतरे रोहित शर्मा और शुभमन गिल, लेकिन रोहित शर्मा सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। फिर क्रीज पर आए चेतेश्वर पुजारा और उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करनी शुरू करी। ये मैच शुभमन गिल के करियर की अब तक की बेस्ट हाईलाइट बनने वाला था। एक तरफ जहां पुजारा अपनी स्ट्राइक को होल्ड कर रहे थे और अपने डिफेंस से एक मजबूत वॉल बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से शुभमन एक टेक्निक फील्ड यंगस्टर की तरह रन को एक्सेलरेट कर रहे थे। गिल की क्लासिक कवर ड्राइव्स पे कवर ड्राइव्स
गाइस, ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन पेसर्स के अगेंस्ट उन्हीं के फोर्ट में शुभमन के पास हर बॉल एक सेकंड एक्स्ट्रा लेकर आ रही है। जिस तरह की प्रेसिशन और क्लैरिटी उनके हर शॉट में थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस खिलाड़ी ने इसी टेस्ट सीरीज से अपना डेब्यू किया है। एक तरफ जहां पुजारा ने 100 बॉल्स में अब तक 11 रन बनाए थे, वहीं दूसरी तरफ शुभमन अपने स्कोर को 70 तक ला चुके थे। पुजारा के साथ इस तरह की पार्टनरशिप होल्ड करना जरूर यंग गिल को काफी कुछ सिखा गया होगा। पुजारा की उस नॉक की भी दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह से उन्होंने अपने डिफेंस से ऑस्ट्रेलियन पेसर्स को अनॉय करा, वो देखने लायक था। एक बैटिंग मास्टर क्लास के बाद शुभमन 91 रन बनाकर स्लिप में कैच देकर अपनी विकेट गवा बैठे, लेकिन अब तक इंडिया के मिडिल ऑर्डर के लिए एक मजबूत बेस तैयार हो गया था। शुभमन ने अपनी जॉब सक्सेसफुली पूरी कर दी थी और अब यहां से मैच को आगे लेकर गए पुजारा और ऋषभ पंत, जिन्होंने इस मैच में इंडिया के लिए विनिंग शॉट्स लगाए और ग्यावा में ऑस्ट्रेलिया को 32 साल बाद हराकर इंडियन टीम की इस यंग फोर्स का मेडल प्रूव किया। मीडिया और फैंस ने इस जीत का क्रेडिट भले ही ऋषभ पंत को दे दिया हो, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि अगर गिल की वो 91 रन की पारी ना होती तो शायद उस दिन हिस्ट्री बदल ना पाती। मेरा मानना है कि उस इनिंग में शुभमन गिल ने उतना ही कॉन्ट्रीब्यूट किया था जितना कि ऋषभ पंत ने। उनके लिए उनकी ये डेब्यू सीरीज शानदार थी, लेकिन इसके बाद हुई टेस्ट सीरीज में जब शुभमन को मौके मिले तो उनकी परफॉर्मेंस डिप कर गई, जहां हमको ये भी लगने लगा कि शायद शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट के रोल में फिट नहीं बैठते। शुभमन ने अब तक 25 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें उनका एवरेज है 35, जो कि एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए काफी बिलो एवरेज फिगर्स हैं। अब जहां मैनेजमेंट को लगने लगा होगा कि शुभमन गिल टेस्ट मैचेस के लिए ना बने हों, तो उन्हें 2022 आते आते ओडीआईज में चांसेस मिलने लगे, और ओडीआईज में तो शुभमन ने गेट गो से ही वो स्ट्रिंग हिट कर दी थी, जिससे वो हर मैच में छाने लगे। 2022 में वेस्ट इंडीज टूर के 3 मैचेस में शुभमन ने 102 के एवरेज से रन बनाए, जहां उनका हाईएस्ट स्कोर था नॉट आउट 98। इसके बाद जिम्बाब्वे टूर पे उनकी पहली ओडीआई सेंचुरी आई, जहां उन्होंने हरारे स्टेडियम में 130 रन बनाए। इस सीरीज में शुभमन का एवरेज था 122। शुभमन की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के बाद मैनेजमेंट ने उन्हें ओडीआईज के लिए बैक करना शुरू कर दिया। 2022 ही वो साल भी था जहां से उनका आईपीएल करियर पूरी तरह से बदलने वाला था। यहां पर केकेआर ने उन्हें ऑक्शंस में रिलीज करा और यहीं से उनकी एंट्री हुई गुजरात टाइटंस, जहां होने वाली थी उनकी ड्रीम आईपीएल रन। इस सीजन तक शुभमन की बैटिंग बहुत ज्यादा रिफाइन हो गई थी। उन्होंने इंपॉर्टेंट नॉक्स खेली, 4 हाफ सेंचुरीज लगाई, एक मैच में तो 96 तक गए और पूरे सीजन में 483 रन बनाए और टीम के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर बने। इसी सीजन के पहले शुभमन गिल ने युवराज सिंह के साथ भी एक ट्रेनिंग कैंप किया था, जहां से युवराज सिंह ने शुभमन को मेंटोर किया और गिल अपनी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए भी युवराज सिंह के साथ की गई उस ट्रेनिंग को ही क्रेडिट देते हैं। उनका अपराइट स्टैंड, स्ट्रेट बैट, हाई एल्बो और स्टिल हेड, इस तरह शुभमन हर बॉल को स्टेबिलिटी के साथ अटैक करने लगे और हमें दिखने लगा कि शुभमन उन कुछ बैट्समैन में से एक हैं जिनके पास हर शॉट खेलने के लिए एक एक्स्ट्रा स्प्लिट सेकंड होता है, जहां से उनका हर शॉट बड़े ही ग्रेस से आता है। हर शॉट में टेक्निक और सफाई, मतलब देखकर ही लग रहा था कि ये प्लेयर इस लीग से बड़ा प्लेयर है। इस सीजन गुजरात टाइटंस आईपीएल चैंपियंस भी बनी और यहीं से सबका विश्वास शुभमन पर और ज्यादा बढ़ने लगा, जहां हमें तो लग रहा था कि शुभमन गिल के आईपीएल करियर के लिए भला इससे बेहतर और क्या ही होगा, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अगले सीजन में परफॉर्म करा, उसने सबको शॉक कर दिया। साल आया 2023 और अगर बेटर वर्ड्स में कहूं तो दिस वॉज द गिल ईयर। आईपीएल के 17 मैचेस में 3 सेंचुरीज, 4 हाफ सेंचुरीज, 59 का एवरेज, 157 का स्ट्राइक रेट और टोटल रन्स 890। सीजन के लीडिंग रन गेटर और ऑल टाइम हाईएस्ट रन गेटर इन वन सीजन में विराट कोहली के रिकॉर्ड से बस 83 रन्स दूर। किंग के बाद इस रैंकिंग में थे द प्रिंस शुभमन गिल। यहीं से मीडिया, फैंस और पीआर ने शुभमन को द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट का टैग पहली बार दिया और शुभमन ने अपनी इस परफॉर्मेंस से इस टैग को काफी अच्छे से जस्टिफाई भी किया। इस सीजन में मानो गिल का नया पीक अनलॉक हो गया था, जहां से उन्होंने अपनी सिक्स हिटिंग एबिलिटी को भी काफी बढ़ा दिया था। उन्होंने 2018 से लेकर 2022 तक अपने 5 सीजन में अब तक 47 सिक्सेस लगाए थे और अब सिर्फ 2023 के एक सीजन में ही उन्होंने 33 सिक्सेस जड़ दिए। इस सीजन में उनकी टीम फाइनल्स तक गई और शुभमन की परफॉर्मेंस के लिए उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। इस साल उनकी ओडीआई परफॉर्मेंस तो और अच्छे से निकल कर आई, जहां उन्होंने इस साल ही प्रूव कर दिया था कि वो एक ट्रू सेंस में एक ओडीआई बैट्समैन है। साल शुरू हुआ श्रीलंका के साथ सीरीज से, जहां 3 मैचेस में शुभमन ने बनाए 207 रन्स, जिसमें एक सेंचुरी भी शामिल थी। और इसके बाद जब न्यूजीलैंड इंडिया टूर पे आई तो उन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिया जो उनके पहले कुछ चुनिंदा प्लेयर्स ही कर पाए थे, एक ओडीआई मैच में डबल सेंचुरी। 208 रन्स के साथ उन्होंने 10th हाईएस्ट इंडिविजुअल रिकॉर्ड इन एन ओडीआई मैच का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और यहीं से उन्होंने बता दिया कि ही हैज अराइव्ड। इस सीरीज के बाकी के 2 मैचेस में उन्होंने नॉट आउट 40 और एक सेंचुरी लगाई और इस तरह उनका इस सीरीज में एवरेज था 180 का। आईपीएल में रन्स बनाना तो चलो एक बात होती है, लेकिन न्यूजीलैंड जैसी साइड के अगेंस्ट इस तरह की परफॉर्मेंस देना एक अलग ही बात है। यूं मानो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में लंबा टिकने आया हूं। 2023 में उन्होंने एशिया कप खेला, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप भी खेला और वहां भी मजबूत परफॉर्मेंस रखी। इस तरह इस साल खेले गए 29 ओडीआई मैचेस में शुभमन ने 1584 रन बनाए, जिसमें 9 हाफ सेंचुरीज और 5 सेंचुरी शामिल थी।
ये शुभमन के लिए एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम था। उनके लिए हर अपॉर्चुनिटी काम कर रही थी, सभी लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे। पूरा देश इंडियन क्रिकेट के इस यंग प्रिंस का वेलकम कर रहा था। सब कह रहे थे कि बस अब यही बनेगा इंडियन क्रिकेट का अगला किंग। इंडियन टीम को परफेक्ट टाइम पर परफेक्ट पोजिशन के लिए परफेक्ट प्लेयर अब मिल चुका था। हर मैच की परफॉर्मेंस के साथ ही वो मानो इंडियन क्रिकेट के क्राउन की तरफ और नजदीक आ रहे थे। लेकिन फिर आया साल 2024 और इस साल उन्हें बैक टू बैक कई सेटबैक्स मिलने लगे। इस साल उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस काफी बढ़ गई। उनकी टीम गुजरात टाइटंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस से ट्रेड कर लिया गया था और इसी में शुभमन को बहुत कम वक्त रहते ही टीम का नया कैप्टन बनाया गया। एक ओपनिंग बैट्समैन पे जरूर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब इसी ओपनिंग बैट्समैन पर कैप्टनसी का भी जिम्मा डाल दिया जाए तो ये जिम्मेदारी कम और प्रेशर ज्यादा लगने लगती है। कैप्टनसी के बाद एक मैच में 100 तरह की टेंशन, और वो भी तब जब उन्होंने इसके पहले हार्डली कभी अपने करियर में कैप्टनसी करी थी। गुजरात टाइटंस की उनसे जो उम्मीदें थी वो उन पर अनफॉर्चुनेटली खरे नहीं उतर पाए। पहले दो सीजन्स में जहां गुजरात टाइटंस टेबल टॉपर्स की रैंकिंग पर थी, वहीं शुभमन गिल की कैप्टनसी में रैंकिंग 8 पोजीशन तक गिर गई। उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस भी काफी मीडियोकर और इनकंसिस्टेंट थी। जहां अगर उनके कुछ मैचेस की परफॉर्मेंस को हटा दें तो उन्होंने इस सीजन में बेयरली कोई रन बनाए थे। 12 मैचेस में 426 रन, जो सुनने में तो डिसेंट लगता है, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस एक प्रिंस से एक्सपेक्ट की जाती है उससे काफी कम है। ये कुछ ऐसा था कि उनका प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट का टैग उन्हीं पर प्रेशर बनाने लगा था। इस एवरेज आईपीएल परफॉर्मेंस के बाद उन्हें T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड के लिए भी सेलेक्ट नहीं किया गया, पर ये आया उनका दूसरा सेटबैक, जिसके बाद अब लोग भी ये सोचने लगे थे कि क्या शुभमन में वाकई एक बड़ा प्लेयर बनने का टेम्परामेंट है या फिर वो बस एक वन सीजन वंडर बॉय थे। यहीं पर इस वीडियो का सवाल भी आता है कि मान लिया शुभमन गिल इंडियन क्रिकेट के प्रिंस हैं, पर क्या वो कभी इंडियन क्रिकेट के किंग बन पाएंगे? विराट कोहली जैसे प्लेयर के शूज फिल करना आसान नहीं होगा। एक ऐसा प्लेयर जिस पर टीम ना सिर्फ रिलाय करती है बल्कि ये प्लेयर टीम को मुश्किल सिचुएशन से निकाल कर भी लाता है। एक तरह से देखा जाए तो 2024 में शुभमन की परफॉर्मेंस अभी तक इसलिए भी नहीं आई थी क्योंकि इस साल एक भी ODI मैच अभी तक हुआ ही नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ IPL में अगर उनकी परफॉर्मेंस को देखें तो हार्दिक पांड्या के जाने के बाद से उनकी टीम काफी डिस्टेबलाइज हो गई है, जहां से उनकी पूरी टीम की परफॉर्मेंस ही काफी डामाडोल हो गई। इन फैक्टर्स को अकाउंट करते हुए BCCI ने शुभमन गिल को आने वाली सीरीज के लिए बैक किया और जिम्बाब्वे टूर के लिए इंडियन टीम की फ्रेश साइड का कैप्टन भी बनाया। इस क्वेस्ट में शुभमन गिल सक्सेसफुल रहे और 170 रन के साथ वो इस सीरीज के लीडिंग रन गेटर भी बने। उनकी कैप्टनसी भी डिसेंट थी, जहां उन्होंने पूरी टीम के साथ ही कम्युनिकेशन काफी अच्छा रखा, टीममेट्स को सपोर्ट किया और इस सीरीज को जीता। इसी सीरीज में जब उनके टीममेट अभिषेक शर्मा डक पर आउट हुए तो अगले मैच के लिए शुभमन ने अपना बैट अभिषेक को दिया और उस बैट से अभिषेक ने अपनी पहली सेंचुरी लगाई। ऐसी बातों से ये तो पता चलता है कि शुभमन एक अच्छे और कोलैबोरेटिव प्लेयर है। गिल को श्रीलंका टूर के लिए भी ODI और T20 टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया है, और अक्सर ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वाइस कैप्टनसी के जरिए इस प्लेयर को फ्यूचर कैप्टनसी के लिए ग्रूम किया जा सके। शुभमन अभी सिर्फ 24-25 साल के हैं, उनके पास टाइम है, वो सोशल हैं, वो अप्रोचेबल हैं और अपने ज्यादातर टीममेट्स के वो अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि इन्हीं टीममेट्स के साथ वो बड़े होते हुए डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल चुके हैं। ये सारी क्वालिटीज एक कैप्टन के रोल के लिए काफी फिट बैठती हैं, और इससे अलग वो काफी स्ट्रीट स्मार्ट भी हैं। और इसी से जुड़ा मैं अब आपको एक किस्सा सुनाने वाला हूं। ये कहानी को जर्नलिस्ट ने बताई थी कि जब शुभमन अपने अंडर-19 डेज में काफी अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे तो कई जर्नलिस्ट उनसे कनेक्ट करना चाहते थे और उनसे उनका नंबर मांगना चाहते थे। जनरली होता क्या है कि जर्नलिस्ट राइजिंग प्लेयर्स के टच में रहने की कोशिश करते हैं ताकि अगर ये प्लेयर आगे जाकर बड़ा प्लेयर बनता है तो उन्हें इंटरव्यूज और न्यूज बाइट्स आसानी से मिल सके। ऐसे में जर्नलिस्ट अपने फायदे के लिए क्रिकेटर्स को काफी अनॉय भी कर सकते हैं, तो क्रिकेटर्स के अंदर एक ये अनस्पोकन रूल होता है कि वो कभी भी किसी जर्नलिस्ट को अपनी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नंबर ना दें। ऐसे में जब एक मैच के बाद 3 जर्नलिस्ट ने अलग अलग जाकर शुभमन से उनका नंबर मांगा तो शुभमन ने तीनों को ही अपना नंबर दे दिया। लेकिन जब ये तीनों जर्नलिस्ट बाद में मिले तो इन तीनों को रियलाइज हुआ कि शुभमन ने तीनों को ही अलग अलग नंबर दिया है और कोई भी नंबर सही नहीं है। इस तरह का अप्रोच और स्ट्रीट स्मार्टनेस एक कैप्टन के लिए अच्छी रह सकती है। मैं तो शुभमन गिल के आने वाले करियर को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ और मैं काफी होपफुल भी हूँ कि वो विराट कोहली के शूज को सक्सेसफुली फिल करते हैं। बाकी शुभमन गिल के फ्यूचर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो यार और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू। एंड बाय द वे, मैंने श्रीलंका की 1996 वर्ल्ड कप कैंपेन पर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई हुई है, तो आप यहाँ पर टैप करके उस वीडियो को भी देख सकते हो।